हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर कविता गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर इन होम साइंस, वर्किंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। मैं आज आपको राजस्थान विश्वविद्यालय की बीए द्वितीय वर्ष में होम साइंस की प्रथम पेपर मानव विकास के प्रथम इकाई के अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है बाल विकास में पंचानुक्रम व वातावरण की भूमिका। बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर बाल विकास के सिद्धांत अच्छी तरह समझे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे फिर चर्चा करूँगी। बाल विकास को प्रभावित करने वाले क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे मानव के विकास को, बालक के विकास को, हमारे विकास को प्रभावित करती है। तो जो कारक हमारे विकास को प्रभावित करते हैं उनको 5 श्रेणी में बांटा गया है। पहला है आनुवंशिक कारक। आनुवंशिक कारक मतलब हमें अपने माता पिता से, पिछली पीढ़ियों से हमें जो भी गुण, पैतृक गुण मिलते हैं। पैतृक का मतलब केवल पिता नहीं है, पैतृक का मतलब जो भी हमें माता पिता से जो भी कुछ विरासत में मिलता है वो आनुवंशिक कारक के अंदर आते हैं। दूसरा है जैविकीय कारक है लेकिन आनुवंशिक नहीं है, उनका माता पिता से हस्तांतरण नहीं हो रहा, लेकिन कुछ जैविकीय कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि प्रसव के समय, जैसे मैंने आपको पिछले अध्याय में भी बताया था, प्रसव के समय यदि किसी भी कारण से बालक को ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है तो उसकी वजह से उसके मस्तिष्क में स्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है ना। तो ये जैविकीय कारक है। और वातावरण के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको रख सकते हैं, कुपोषण, माता अगर लगातार कुपोषित रहती है या बालक को कुपोषित रहता है तो उसका विकास निश्चित रूप से प्रभावित होगा। तीसरे कारकों की जो श्रेणी है वो है हमारे अनुभव, हमें कैसा वातावरण मिल रहा है, हमें सीखने के कितने अवसर मिल रहे हैं, हमें कितना प्रेरित किया जाता है, ये सब भी हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। चौथा जो कारण है वो है, चौथा जो श्रेणी के कारक हैं वो है मनोसामाजिक निकटस्थ वातावरण। निकटस्थ से बच्चों, जो बालक के प्रत्यक्ष संपर्क में हो उसको हम निकटस्थ कहेंगे। जैसे बालक कहाँ जन्म लेता है, परिवार में जन्म लेता है, तो परिवार के सदस्य, उसके साथ माता कैसा व्यवहार करती है, पिता कैसा व्यवहार करते हैं, घर में कौन कौन से सदस्य हैं, उन लोगों के साथ उनके संबंध कैसे हैं, आपस में उन लोगों के कैसे संबंध है, कुल मिलाकर परिवार का वातावरण कैसा है, ये भी बालक के विकास को बहुत गहनता से प्रभावित करता है। इसी तरह से स्कूल जो है, जो कि हमारे 3 साल का बालक होता है तो परिवार से निकल कर वह स्कूल में जाता है, विद्यालय में जाता है, तो विद्यालय में भी वहाँ का वातावरण कैसा है, बच्चा भयभीत रहता है, उसको प्रेरित किया जाता है, अध्यापक के साथ उसके कैसे संबंध हैं, ये सब चीज़ें भी उसके विकास को प्रभावित करती है। और अंतिम श्रेणी जो रखी है वो है सामाजिक और सांस्कृतिक समूह जिसका कि बालक सदस्य है। हमारा समाज या हमारा संस्कृति हमारे पे बहुत गहरा प्रभाव डालती है कि हम किस तरह से विकसित होते हैं। कैसे डालती है कि जैसे हमने पिछले उसमें पढ़ा था हमारे सिद्धांत में कि समाज की क्या अपेक्षाएं हैं हमसे, हमारे से जो उनकी अपेक्षा होगी उसी के अनुसार वो हमें सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगी, उसी तरह से वो हमें ट्रेंड करेंगे। जैसे बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ बच्चों कि जैसे अपने यहाँ के देखिए संस्कृति तो हमारी सेम है लेकिन हमारे यहाँ भी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में कितना परिवर्तन आ जाता है। पहले के समय में हमारे यहाँ लड़कियों के, जैसे कॉलेज गोइंग गर्ल्स के कॉलेज अलग होते थे, बॉयज़ के कॉलेज अलग होते थे, स्कूल्स भी अलग अलग होते थे, तो हमारे जो साथी समूह होता था वो अपनी ही समान लिंग वाले लोगों का होता था। लेकिन अब क्या हो गया, मैक्सिमम जगह कोएड स्कूल्स चल रहे हैं। कोएड स्कूल्स चलने की वजह से क्या हो गया, अब लड़के और लड़कियों में मित्रता बिल्कुल आम बात हो गई है। आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे तब भी ये इतनी कॉमन नहीं होती थी, लेकिन अब ये बिल्कुल सामान्य सी बात हो गई है। तो संस्कृति हमारी वही है लेकिन देखिए एक तो समय के साथ परिवर्तन आ रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में अभी भी भिन्नता है, ये आप लोग खुद भी महसूस कर सकते हैं।
अब हमें पढ़ना है वंशानुक्रम और वातावरण, तो हम दोनों को पहले अलग अलग पढ़ेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोग, ये ऐसा टॉपिक है जब मैं कक्षा में पढ़ाती थी तो बच्चे सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी विषय से संबंधित पूछते थे। मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ इसको ध्यान से पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपकी बहुत सी जिज्ञासाएँ जो हैं वो शांत होंगी और कुछ नई जिज्ञासा भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आप लोग मेरे नंबर के ऊपर अपने प्रश्न भेज सकते हैं, मैं उनका निश्चित रूप से जवाब दूंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वंशानुक्रम का अर्थ क्या होता है, वंशानुक्रम है क्या। तो मैंने परिभाषा देखी है, दो लिखवाई हैं, लिखी हैं और आपको मैं अपनी पाठ्य सामग्री में उपलब्ध करवा दूंगी। अनुवांशिकता, माता पिता से जो भी कोई गुण बच्चे के अंदर हस्तांतरित होते हैं उन सबको हम अनुवांशिकता की श्रेणी में रख सकते हैं। डॉलस और हॉलैंड ने जैसे कहा है कि एक बालक की आनुवांशिकता में उन सभी शारीरिक संरचनाओं, विशेषताओं, क्रियाओं और क्षमताओं का योग निहित रहता है जिनको वह अपने माता पिता व अन्य पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है। तो कुल मिलाकर यह हुआ कि हम माता पिता से, चाहे वो शारीरिक गुण हो, बौद्धिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, व्यक्तित्व संबंधित गुण हो, जो भी हम अपने अभिभावकों से जीन्स के माध्यम से लेकर आते हैं, है ना, वो सारे अनुवांशिकता की श्रेणी में आते हैं। जो हमने सीखे हैं वो नहीं, जो हमको जैविकीय रूप से हमारे अभिभावकों से मिल गए वो सभी अनुवांशिकता की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी बेटा कि मनुष्य के अंदर हर प्रजाति जो होती है, जितनी भी जीवित प्राणी हैं उन सब के अंदर गुण सूत्र जो होते हैं उनकी संख्या निश्चित होती है। किसी में 23 होंगे, किसी में 40 होंगे, किसी में, हमारे मनुष्य के अंदर ये 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 गुण सूत्र होते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ये 23 जोड़े जो होते हैं, मैं जोड़े क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इनमें से कुल मिलाकर तो 46 हैं, लेकिन ये 23 जोड़े ऐसे हैं कि 23 तो हमें पिता से मिलते हैं और 23 हमें माता से मिलते हैं। तो माता पिता के 23-23 मिलाकर 23 जोड़े बन जाते हैं और वो हमारे 46 गुणसूत्र होते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देखिए कि इस चित्र के अंदर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि माता पिता जो है बेटा, बीच में देखो, बीच में जो दे रखा है एक पुरुष और स्त्री का चित्र, माता पिता जो है, पिता ने अपने 23 गुणसूत्र लिए अपनी माँ से और 23 गुणसूत्र लिए अपने पिता से। इसी तरह से जो स्त्री है उसने भी 23 गुणसूत्र लिए अपनी माँ से और 23 गुणसूत्र लिए अपने पिता से, दोनों के मिलाकर उनके पास हो गए 46। अब इन 46 का बिल्कुल अच्छे से मिक्सचर हो जाता है, पता नहीं है कौन सा इनका आपस में कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन फिर ये पुरुष 23 गुणसूत्र अपनी संतान को देगा और स्त्री भी 23 गुणसूत्र अपनी संतान को देगी। इस तरह से संतान को अंततः 46 गुणसूत्र मिलते हैं, संतान को 46 गुणसूत्र मिलते हैं। अब ये कैसे मिलते हैं, कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, हम इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, मानव शरीर में आप लोगों ने विज्ञान में निश्चित रूप से कोशिका क्या होती है, हमारा मानव का शरीर जो होता है, किसी भी प्राणी का शरीर जो होता है कोशिकाओं से मिलकर बनता है। जैसे किसी भवन में ईंटें लगी होती है, ठीक उसी तरह से हमारे शरीर भी विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक प्रकार की तो होती है शरीर कोशिका, जिसे कहते हैं, इन शरीर कोशिकाओं से हमारे सारे अंगों का निर्माण होता है, चाहे वो अस्थि, तंत्रिका, मांसपेशी वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। और दूसरी प्रकार की जो कोशिका होती है वो बीज कोशिका, इसे हम प्रजनन कोशिका भी कहते हैं। और प्रजनन कोशिका जो होती है, इसको पुरुष में तो इसको कहा जाता है शुक्राणु और स्त्री में ये कहलाता है डिंब, डिंब मतलब अंडा।
जो हर मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर से स्रावित होता है। अब क्या होता है कि जीवन कैसे आरंभ होता है, एक शुक्राणु जब एक डिंब में प्रवेश कर लेता है तो वो निषेचित डिंब कहलाता है। निषेचन की प्रक्रिया हो गई तो निषेचित डिंब हो गया। अब निषेचित डिंब के अंदर 46 भ्रूणसूत्र होते हैं, 23 उसको अपनी माँ से मिले हैं जो कि शुक्राणु के माध्यम से हैं, और 23 उसको पिता से मिले हैं जो शुक्राणु के रूप में आए, और 23 उसको माता से मिले हैं जो कि डिंब के रूप में उसको प्राप्त हुए हैं। अब इस निषेचित डिंब में 46 गुणसूत्र होते हैं। अब क्या होता है कि कैसे अजीव एक कोशिका से सोचो इतना बड़ा शरीर बन जाता है, तो कैसे होता है ये कि एक कोशिका विभाजित होती है, दो में बढ़ती है, दो फिर विभाजित होती है, चार बन जाती हैं, चार फिर विभाजित होती है, आठ बन जाती हैं, आठ विभाजित होती हैं तो 16 बन जाती हैं। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस चलती रहती है। तो ये कैसे होता है कि सारी की सारी कोशिकाओं के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, इसको इस चित्र के माध्यम से मैंने दिखाने की चेष्टा की है। बच्चों इस चित्र को आप देखेंगे तो देखिए हमारे कोशिका जो है इसमें जो बाहरी आवरण होता है ये कोशिका द्रव्य कहलाता है, और बीच का जो गोला गहरा रंग का हिस्सा है ये हमारा केंद्रक होता है। इस केंद्रक के अंदर ही प्रत्येक कोशिका के केंद्रक के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं या 23 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं। जब कोशिका के विभाजन का समय आता है तो देखिए इसके ऊपरी सिरे पे आप देख रहे हैं एक छोटा सा हरे रंग का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक संरचना दिखाई दे रही है, इसे तारक कहते हैं। तो ये जो तारक होता है सबसे पहले ये दो भागों में विभाजित हो जाता है, और जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड हो जाते हैं, मतलब जितने होते हैं उसका उनके डबल बन जाता है। देखिए पहले सिंगल दिखाई दे रहे हैं, दूसरे नंबर के चित्र के अंदर वो डबल दिखाई दे रहे हैं। और ये जो तारक होता है ये दो हिस्सों में विभाजित होकर दोनों छोर पर पहुंच जाता है, और इन दोनों से मिलकर कुछ रेखाएँ बनती हैं। ये रेखाएँ मार्ग बनाती हैं जिससे जो गुणसूत्र बन गए हैं डबल हुए थे वो आधे आधे विभक्त होकर आधे एक सिरे पर और आधे दूसरे सिरे पर चले जाते हैं। देखिए आप पांचवें छठे वाले इसमें स्पष्ट दिखाई देता है। धीरे धीरे क्या होता है ये बिल्कुल अलग अलग छोर पर चले जाते हैं तारक के साथ में, जो हरे रंग का तारक है उसके साथ में, और वहाँ पर नए केंद्रक का निर्माण हो जाता है और उसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य लिपट जाता है, और इस तरह से दो नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ये जो विभाजन का तरीका है बेटा ये समसूत्रीय विभाजन कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक समान सूत्र होते हैं पहली कोशिका में भी, और उससे जो बनी जो दोनों नई कोशिकाएं बनी उनमें भी उतना ही, मतलब एक समान सूत्र हैं, इनका विभाजन बिल्कुल एक समान रूप से होता है, इसलिए इसे समसूत्रीय विभाजन कहते हैं। हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएँ होती हैं उनमें इसी तरह से गुणन की प्रक्रिया होती है। अब ये तो हुआ शरीर कोशिका की बात, बीज कोशिका में थोड़ी सी भिन्न प्रक्रिया होती है, और ये जो भिन्न प्रक्रिया है ये कहलाती है अर्धसूत्री विभाजन। आप ये देखिए चित्र में देखिए, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मियोसिस, जो समसूत्री विभाजन है उसको अंग्रेजी में कहते हैं माइटोसिस, और हिंदी में कहते हैं समसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री को हम कहते हैं हिंदी में मियोसिस। तो इस अर्धसूत्री विभाजन में बच्चों क्या होता है कि जो एक कोशिका है उसके अंदर पहला चरण तो वही होता है कि उसका भी गुणसूत्र या डीएनए होते हैं। डीएनए किससे मिलके, डीएनए के ऊपर बेटा जीन्स विद्यमान होते हैं, और जीन्स किससे मिलके बनते हैं, डीएनए से मिलके मिलते हैं। आप लोग आए दिन अखबार वगैरह में पढ़ते हैं, डीएनए की जांच से पता चल जाता है कौन किसकी संतान है, उसके विषय में आप सुनते रहते हैं। तो ये जीन्स, तो ये डीएनए या जो क्रोमोसोम्स होते हैं पहले ये डबल होते हैं, फिर डबल होकर देखिए पहला जो है उसमें 46 थे, फिर वो डबल हुआ 46 जोड़े बन गए, फिर वो विभाजित हो गए दो में तो दो 46-46 बन गए, ठीक है ना, 46-46 गुणसूत्र की दो कोशिकाएं बन गई। फिर इनमें पुनः विभाजन होता है तो अब ये सीधा 23-23 बन जाते हैं। तो इस तरह से एक कोशिका से चार नई कोशिकाओं का जन्म होता है, किसमें, बीज कोशिकाओं में, ठीक है ना।
तो एक कोशिका थी आरंभ में, वो डुप्लीकेट हुई, 46 जोड़े बने, फिर वो 46 जोड़े आधे आधे में विभाजित होके दो 46-46 गुणसूत्र वाली कोशिकाओं का निर्माण हुआ, फिर उनमें पुनः विभाजन हुआ तो 23-23 गुणसूत्र वाली चार कोशिकाएं बन गई। इसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, जैसा नाम से स्पष्ट है बेटा, इसमें सूत्र आधे हो गए हैं, तो ये कहलाती है अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस की प्रक्रिया। और ये किस में होती है, जो हमारी प्रजनन कोशिकाएं होती हैं, मतलब जिनसे हमारे शुक्राणु और डिंब का निर्माण होता है, उन कोशिकाओं में इस तरह से विभाजन की प्रक्रिया होती है। अब ये अर्धसूत्री विभाजन में भी बेटा मादा में और नर में थोड़ी सी भिन्नता देखी जाती है, जैसे थोड़ा सा ट्रांसफ़र करने, फाइल ट्रांसफ़र करने में बेटा वो हो गया, जो पहला वाला जो है लाइट ब्लू कलर का वो नर का है शुक्राणु का, और जो पिंक कलर में दूसरा है वो मादा का है डिंब का। तो नर में क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन में, बिल्कुल ठीक जैसे मैंने पिछले प्रश्न पे आपको दिखाया था कि एक कोशिका 46 गुणसूत्र वाली, उसके अंदर डबल हुए तो 46 जोड़े वाली एक कोशिका बनी, फिर उसका विभाजन हुआ तो 46-46 गुणसूत्र वाली दो कोशिकाएं बनी, फिर उनका पुनः विभाजन हुआ तो उससे 23-23 वाली बनी। ये जो एक से जो चार बन गई हैं ये बेसिकली नर के अंदर शुक्राणु के रूप में होती हैं ये, ठीक है ना। तो एक कोशिका से चार शुक्राणुओं का जन्म हो जाता है। इसके विपरीत मादा में क्या होता है, स्त्री के अंदर जो डिंबाशय से एक डिंब निकलता है, उस वो जो डिंब होता है उसके अंदर डिंबाशय के अंदर ही हो रही होती है बेटा ये प्रक्रिया। तो एक डिंब जो होता है एक जो कोशिका, बीज कोशिका जो होती है, उससे पहले दूसरी कोशिका बनेगी 46 जोड़े वाली, फिर यहाँ तक तो एक समान है प्रक्रिया, फिर 46 जोड़े जो हैं वो जब विभक्त होते हैं तो 46-46 गुणसूत्र वाली दो कोशिकाएं बनती हैं, पर यहाँ पर दो की जगह एक ही कोशिका बनती है। दूसरी वाली कोशिका जो होती है उसका आसपास का जो कोशिका द्रव्य है वो इतनी कम मात्रा में होता है कि वो कोशिका नष्ट हो जाती है, तो केवल 46 की एक रह जाती है। फिर पुनः उसकी विभाजन की प्रक्रिया होती है, तब फिर यही होता है कि दो कोशिकाएं बनती हैं तो जिसमें 23-23 गुणसूत्र होते हैं, इनमें से एक कोशिका तो जीवित रहती है, दूसरी नष्ट हो जाती है क्योंकि उसके आसपास कोशिका द्रव्य कम होता है। तो इस तरह से मादा के अंदर एक बीज कोशिका से केवल एक ही डिंब बनता है, पुरुष में एक बीज कोशिका से चार शुक्राणु बन रहे हैं, और स्त्री के अंदर एक बीज कोशिका से केवल एक डिंब बनता है। समझ में आ गया बच्चों? अब देखिए मानव में गर्भाधान की प्रक्रिया किस तरह से होती है। देखिए स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर 46-46 गुणसूत्र हैं, मतलब 23 जोड़े वो हैं क्रोमोसोम्स के। दोनों के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसके अंदर जो शुक्राणु हैं उस प्रत्येक शुक्राणु के अंदर 23-23 गुणसूत्र होते हैं, और स्त्री के अंदर डिंब के अंदर भी 23 ही गुणसूत्र रहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले इस प्रश्न पे समझाया था। जब एक शुक्राणु और एक डिंब मिलता है तब उसका निषेचन की प्रक्रिया होती है, दोनों के अंदर जो भिन्न भिन्न केंद्रक होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, 23-23 गुणसूत्र के साथ मिलकर वो फिर 23 जोड़े गुणसूत्र के बना लेते हैं। तो 23 जोड़े गुणसूत्र के बने और तुरंत नई कोशिका निषेचित डिंब हो जाती है और यहीं से जीवन आरंभ हो जाता है। फिर वापस समसूत्री विभाजन, मतलब एक कोशिका से दो, दो से चार, चार से आठ बनने की प्रक्रिया होती है, और इस तरह से पूरे बालक के शरीर का निर्माण हो जाता है। तो एक कोशिका से जीवन आरंभ हो के आप देखिए जब शिशु जन्म लेता है कोशिका इतनी सूक्ष्म होती है कि कहते हैं नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देती है, उसके लिए माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो एक कोशिका से जीवन आरंभ होकर एक 9 माह के अंदर एक संपूर्ण शिशु का जन्म हो जाता है। इस तरह से ये हमारे जो गुणसूत्र हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं।
आज के व्याख्यान में बच्चों मैं आपको इतना ही समझाऊंगी, इसको पुनः पढ़िएगा, मैं आपको पाठ्य सामग्री भी दूंगी, उसको भी पढ़िएगा और फिर उसके आधार पर नोट्स तैयार कीजिएगा। कोई भी शंका हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।